मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के मौके पर आज मुंबरा में जुलूस निकाला गया। इस मौके पर भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली और लोग सड़कों पर नाचते झूमते हुए दिखाई दिए। इस जुलूस में गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र भाट, सैयद अली अशरफ भाई साहब, शानू पठान, शमीम खान, अन्य तमाम जाने माने लोग भी मौजूद थे। दरअसल आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उस वक्त जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में समाज विभाजित था और छूत अछूत जात पात के नाम पर लोग बटे हुए थे। ऐसे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक नई क्रांतिकारी चेतना का सूत्रधार किया और बाबा साहब के संविधान के हिसाब से आज सभी लोगों को एक बराबर एक समान जीने का अधिकार मिला है। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था और आज मुंबरा में बड़ी संख्या में लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाते हुए नजर आए। देखिए, सबको पहली बात तो पहले मुंबरे शहर वालों को, थाना शहर, पूरे हमारे महाराष्ट्र और पूरे देश के लोगों को मेरे तरफ से बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के खूब खूब शुभकामनाएं। और आज इस तरीके से सेलिब्रेशन किया जा रहा है बाबा साहेब जयंती, मुझे लगता है इससे भी बड़ा रोज जयंती होनी चाहिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो देश के लिए किया है वो आज तक वैसा सोच वाला पैदा नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है ये बहुत छोटी सी लोग प्रयास करते हैं जयंती मनाने का, लेकिन हकदार तो वो बहुत ज़्यादा है। तो जितने लोग भी आज भी जयंती मना रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं मुंबरा के सभी शहरवासियों को मेरी तरफ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। पिछले 2 सालों से हमें जयंती या कोई भी उत्सव मनाने नहीं मिला।